भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तरडिया गांव में घरेलू विवाद से तंग आकर एक महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला ने खुद को कमरे में बंद कर फंदे से झूल गई। मृतक महिला की पहचान तरडिया गांव निवासी संतोष कुमार की 23 वर्षीय पत्नी डौली कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। इस दौरान घटनास्थल के समीप स्थानीय लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। वहीं जगदीशपुर पुलिस ने मामले की जानकारी फॉरेंसिक टीम को दी, जिसके बाद FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य को इकट्ठा करने में जुट गई। घटना को लेकर मृतक महिला के भाई योगेंद्र कुमार ने बताया कि बहन डौली की शादी करीब 1 वर्ष पूर्व हुई थी। उन्होंने बताया कि पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बुधवार को बहन ने कमरे में खुद को बंद कर अपनी जान दे दी। मृतका के भाई योगवेंद्र ने बताया कि बुधवार की शाम जीजा संतोष ने फोन कर घटना की सूचना दी, जिसके बाद वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचे तो देखा कि बहन उसकी फंदे से झूल रही थी। वहीं घटना के बाद घर के सभी सदस्य मौके से फरार हो गए। वहीं जगदीशपुर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मृतक महिला का पति होमगार्ड में कार्यरत है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की लंबे समय से बीमारी के बाद मंगलवार की देर रात निधन हो गया। वहीं बुधवार को सुशील मोदी का पार्थिव अस्थि कलश भागलपुर लाया गया, जहां भागलपुर के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में भागलपुर के सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सुशील कुमार मोदी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर भागलपुर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, भाजपा नेता मृणाल शेखर, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, मुकेश हरी सहित कई कार्यकर्ता और नेता शामिल रहे। सभी लोग अपने प्रिय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के अस्थि कलश दर्शन और पूजन और उनके श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पधारे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सुशील मोदी जी न सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्री बल्कि भागलपुर के लोकप्रिय सांसद भी रहे हैं, और बिहार को आज जो विकसित बिहार हम लोग देख रहे हैं, उस बीमारू बिहार से विकसित बिहार, बढ़ता बिहार लाने में सुशील मोदी जी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अगर कैलाशपति मिश्रा जी के बाद किसी नेता का नाम आता है तो वह आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी हैं। दूसरी ओर सुशील कुमार मोदी जी के व्यक्तित्व से हम सभी लोग कि राजनीति में जो एक आचरण होता है, राजनीतिक सुचिता और राजनीतिक शालीनता की, वह अगर सीखना हो तो कोई सुशील कुमार मोदी जी से सीख सकता है। और हम लोगों का, हमारा व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य रहा है कि विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का सानिध्य हमको मिला। और न केवल विपक्ष के नेता के रूप में जब वो काम कर रहे थे पटना के अंदर, तो उस समय भी उनके साथ सीखने का मौका मिला, और फिर जब भागलपुर के वो सांसद हुए तो उसमें भी उनके साथ रहकर सीखने का हमको अवसर मिला। तो हम लोग आज सुशील मोदी का जाना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो क्षति है ही, यह क्षति बिहार और भारतीय जनता पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में।
एबी मेडिकल के समीप। शादी के बाद किसी और के साथ पति पत्नी का लव अफेयर करना किसी जुर्म से कम नहीं है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं और पकड़े जाने पर अपनी गलती मानने के बजाय अपने जीवन साथी को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। वहीं आपने प्रेम प्रसंग के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन बागलपुर के बाबरगंज थाना क्षेत्र से जो मामला सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल भागलपुर में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है, जहाँ तीन बच्चे के पिता ने पहली पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर जान से मारने की नीयत से उसे जहर खिलाया और फिर पिछले 6 महीने से पहली पत्नी को छोड़कर कथित दूसरी शादी कर लिया और छिपकर भागलपुर के बाबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर स्थित गुड्डी देवी के अपार्टमेंट में किराए के मकान में रहने लगा। इस बात की जानकारी पहली पत्नी समेत परिजन को हुई और वह सब किराए के मकान में पुलिस के साथ पहुंच गई, जिसके बाद घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं पुलिस अपार्टमेंट में करीब 3 घंटे तक आरोपी पति एवं उसकी कथित दूसरी पत्नी की तलाश करती रही, तब जाकर चौथे तल्ले के कमरे में पलंग के नीचे छिपे मिले। इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाना आई। पूरा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2008 में सिमरिया गांव निवासी माला देवी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ सुल्तानगंज इलाके के रहने वाले संजय बिंद से हुई। शादी के 8 साल बाद पति संजय ने पहली पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा और मारपीट भी करता था। इस दौरान वर्ष 2019 में संजय ने अपनी पहली पत्नी माला देवी को जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद पीड़ित माला देवी अपने मायके चली गई और उसने अपने पति पर केस भी कर दिया। इसी दौरान संजय बिन चुपके से किसी दूसरी लड़की के संपर्क में आ गया और उसने शादी भी कर ली। बता दें कि संजय बिन को पहली पत्नी से 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का है। आज हमें हॉस्पिटल में विजय ही आई है तकताए नहीं छे तकताए गए कि जी घूर लू ने और घूर गए तो वो गली देखे घुस ले जाके रूम में तोरो दमा दमा तब में चीनी ले लिए आ तबे जाके फोन करी के बेटी के बोले लिए सबके बोले लिए तब की होलो की रे तो जाके रूम में देख लो केवाड़ी नहीं खोले रहे 3-4 घंटा पर फिर सिपाही अले तो नहीं खुलल के तो फिर दूसरे आदमी खुलल के केवाड़ी लड़की दूसरो रूम में चले आओ जाके वो रूम में बंद हो के चले आ सबको देखो हमरो बेटी के सामान सब रूम में नानी के धर ले छे हमरो बेटी के कुछ नहीं देखो तो नाती छे नतनी छे की होलो रे ओ में नहीं रखे रे नहीं छले साथ है यहाँ काम करे लगले भागलपुर भागलपुर लड़की जोरे पटियाए गेले आ 2 लड़के छे आरो 1 लड़के छे अच्छा तोरो दामाद जे छे ओ आरो 1 लड़के छे हां हां तोरो बेटी के या छोड़ल रे आय ताले 6 साल हो गए कोर्ट में केस कर ले छे केस से सिपाही भेजल के वहाँ थाना में सुतालगंज सुतालगंज वाला जाए के छे कि ओकरा आवे छे घर ऊपर खोजेलो घर जेबे न करे छे की नाम छे तोरो बेटी रो हमरो बेटी के माला देवी नाम छे दामाद रो संजय बिन कहाँ घर छे दामाद रो सुतालगंज दिलगौरी कितना दिन पहले कर लो 2008 में कर ले छे बेटा बेटी की छोकरा ने पहले बड़ बेटी छे बेटा छे तबे फेरू बेटी छे तो के छो हमें माय छे माय